दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 की तैयारियों में अब पूरी तरह से लग चुकी है और आईपीएल 2025 के लिए कौन कौन से वो चार खिलाड़ी होंगे जिनको ये टीम रिटेन करेगी, क्या फाइव टू प्लेसेस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रिटेन करने वाली है, वहीं कौन कौन से वो चार बड़े प्लेयर्स होंगे जिनको आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ये टीम सबसे पहले टारगेट करके अपने टीम में शामिल करेगी, कौन सा वो खिलाड़ी होगा जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु कप्तान आईपीएल 2025 में बनेगा, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों, आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 के लिए रिटेन करेगी, जिनमें सबसे पहला जो नाम है विराट कोहली का। विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रिटेन करेगी, ये पूरी तरह से कंफर्म है। जबकि दूसरा जो नाम है मोहम्मद सिराज का, मोहम्मद सिराज भी रिटेन होने वाला है। जबकि तीसरा जो नाम है कैमरन ग्रीन, चौथा जो नाम है विल जैक, ये चार खिलाड़ी होंगे जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 के लिए रिटेन करेगी। अगर पांच या फिर छह खिलाड़ी रिटेन होते हैं तो एक और खिलाड़ी को ये टीम रिटेन कर सकते हैं, जिनका नाम है रतन पाटीदार। वहीं बात करें ग्लेन मैक्सवेल की, तो ग्लेन मैक्सवेल ने इंस्टाग्राम पे जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का जो ऑफिशियली पेज है उसको अनफॉलो कर दिया। तो ऐसे में रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही कि ग्लेन मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है रिटेन नहीं करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ग्लेन मैक्सवेल को ये टीम को रिटेन करना चाहिए, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और अब बात करते हैं उन चार खिलाड़ियों के बारे में जिनको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे पहले टारगेट करेगी, जिनमें सबसे पहला नाम निकलकर सामने आ रहा है केएल राहुल का। केएल राहुल अगर आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का पार्ट बनते हैं तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इन पर सबसे बड़ी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर सकती है। वहीं दूसरा जो नाम है स्टीव स्मिथ, स्टीव स्मिथ को भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आईपीएल 2025 के ऑक्शन में टारगेट करेगी। जबकि तीसरा जो नाम है उमरान मलिक को, उमरान मलिक के ऊपर पूरी तरह से निगाह है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टिके रहेंगे और उमरान मलिक को यह टीम अपने स्क्वाड में आईपीएल 2025 के लिए शामिल कर सकती है। जबकि चौथा और आखिरी जो नाम है जसप्रीत बुमराह का, अगर जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का पार्ट बन जाते हैं तो इन पर लगभग सभी टीमें करोड़ों की बोली लगाने के लिए तैयार रहने वाली है। लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो इन पर 25 से 30 करोड़ की बोली लगाकर अपने टीम में आईपीएल 2025 के लिए शामिल कर सकती है। वहीं बात करें नए कप्तान की, तो जैसा कि विराट कोहली का नाम निकल कर सामने आ रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विराट कोहली को मनाने में लगी। अगर ये विराट कोहली कप्तानी करने से मान जाते तो आईपीएल 2025 में विराट कोहली होंगे जो टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा केएल राहुल, स्टीव स्मिथ में से किसी एक प्लेयर को ये टीम खरीद कर आईपीएल 2025 के लिए अपनी टीम का कप्तान घोषित कर सकती है। वो तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आईपीएल 2025 में कौन से वो तीन खिलाड़ी होंगे जिनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 में सबसे पहले शामिल करेगी, और आपको क्या लगता है किन चार खिलाड़ियों को इस टीम को रिटेन करने, जो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।